not in Canada. What do? You take a bus? बस पे जाना पड़ेगा आज. I don't even remember कितने सालों के बाद. Let's see. बस ने हमें उतारा स्काई ट्रेन स्टेशन, जहाँ से हमने ली स्काई ट्रेन और हम पहुंचे वैंकूवर. हम लोग फिलहाल आई थिंक वो जो गैस टाउन में क्लॉक है उसको देखने जा रहे हैं, स्टीम क्लॉक को. और उसका आई डोंट नो वी आर गोइंग टू प्रोबब्ली लाइक हम हॉट चॉकलेट वगैरह खाएंगे, पियेंगे आई मीन, और उसके बाद हम लोग टाकोस खाने वाले हैं और हम आगे कंटिन्यू करते रहेंगे अपने ब्लॉग को. होपफुली आप लोगों को अच्छा लगेगा. और ये गैस टाउन में क्लॉक की तरफ पड़ते हुए जल्दी वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं. कहाँ हैं हम लोग? गैस टाउन में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्लॉक देखने आए हैं. कौन सा क्लॉक? वही लाइक डेथ स्टीम क्लॉक. टर्न अराउंड करके देखे तो सेम थिंग. ओह गॉड, ओह देयर इट इज, देयर इज द क्लॉक. इफ यू डिडंट नो, मतलब ऑल दो हमने कितनी बार देखी हुई है, लाइक एवरी टाइम टू वैंकूवर हम लोग मोस्टली देखते हैं. बट मैं तो वो फोटो किस क्या है, ये क्या है? एक टाको दे दूंगा. दिस इज द गैस टाउन की फेमस स्टीम क्लॉक. तो हम लोग पहुंच चुके हैं कनाडा प्लेस में, जो कि यहाँ का काफ़ी ज़्यादा मेजर प्लेस है. यहाँ पर मेरे लेफ्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको पानी दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है, साथ साथ सी प्लेन्स भी है उसके अंदर. और अगर आप सामने देखोगे तो स्टैनली पार्क है, जो यहाँ का काफ़ी फेमस पार्क है. और अगर हम उस साइड देखेंगे सामने की तरफ, तो देखिएगा नॉर्थ वैंकूवर और आपको पहाड़ दिख रहे हैं, विच लुक्स एक्चुअली रियली गुड. और अगर आप थोड़ा सा राइट में करोगे तो ऊपर एक फ्लाई ओवर कैनेडा है, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बोलूंगा, जो आपको लाइक सीट्स बैठा के 70 एक्सपीरियंस वगैरह मिलता है, विच इज़ वेरी गुड, यू शुड ट्राई वंस. और मेरे अगर राइट में देखोगे तो ये आपका बीसी प्लेस, सॉरी जो कैनेडा प्लेस का वो है, ये कन्वेंशन सेंटर भी यहाँ पर. और यहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, और इंक्लूडिंग अभी रिसेंटली होने वाला है फैन एक्सपो, वो यही होएगा और मैं वहाँ आने वाला हूँ. उसका प्रॉब्लम आई एम गोना मेक अ व्लॉग. आज संडे है तो इतना रश नहीं है ना, और काफी लाइक इजीली वॉक कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, हवा भी चल रही है, टोटल हॉली हॉली ठंड भी है. तो सामने जो आपको वो दिख रही है तैरने वाली चीज, उसे सी बस कहते हैं. और जो सी बस है वो नॉर्थ वैंकूवर को वाटर फीचर से कनेक्ट करती है, और इसको आप नॉर्मल टिकट जो यहाँ की बीसी ट्रांसलेट की टिकट होती है उसे यूज कर सकते हो, और ये रात तक चलती है, वेरी कन्वीनियंट. इसके बाद हम लोग गए टाकोफिनो टाकोस खाने, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब. हमें ऑर्डर प्लेस करे हमें लगता है 20-25 मिनट से ऊपर हो चुका है अभी तक. बस एक को टॉर्ट खाया, उसके बाद कोई ज़्यादा पता ही नहीं है टाकोस का, पता नहीं कब आएंगे. सार्थक और पिहुल ने मंगाया फिश और चिकन टाको, जो उनको ठीक लगा. दिस इज लाइक $7 का टाको था, जस्ट वन. साथ में हमने मंगाए थे वीगन टॉर्ट्स, जो देखने में इस तरह के थे, ठीक थे खाने में, नॉट टू गुड एंड नॉट टू बैड. वेजिटेरियन टाको ने तो हद ही कर दिया, टाको कम और ऑमलेट ज्यादा लग रहा था. मतलब कोई कॉलीफ्लावर टाको नहीं, कोई बीन टाको नहीं उनके पास, वेरी लिमिटेड ऑप्शन. सो इसके बाद हम लोग गए एक और टाको प्लेस पे, जहाँ से मैंने वेजी टाकोज लिए, बिकॉज टाकोफिनो में मैं कोई टाको खा ही नहीं पाई थी. सो फाइनली जब मुझे टाकोफिनो वालों ने डिच कर दिया, आई हैव टू गो टू लैटिकेरिया एंड गेट द वेजी टाको, व्हिच इज द कॉलीफ्लावर वन. लेट्स सी हाउ इट इज. ओह माय गॉड, सो गुड, सीरियसली सो गुड. नेक्स्ट स्टॉप था ब्रेका बेकरी, जहाँ से ली हमने कॉफ़ी और कुछ पेस्ट्रीज, एंड दे वर सो यमी, सो यमी. देन आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे. घूम लिया डाउनटाउन कनाडा प्लेस, सनसेट देखने आए हैं. सनसेट आप पीछे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है. एंड या वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Like, share, and subscribe.